था। लोग भी सोच रहे होंगे कितने पागल है। जी हाँ हम हैं। सोने के सिक्के छुपा लूं? सेम कर रही। अरे आप कौन? हाय। और मुझे ना एक इंडियन सेक्सी बंदा चाहिए जो जो ना। क्या कर रहे हो? अभी तो मैं उड़ने वाली थी। Hey everyone, welcome back to my channel. और हम निकले हैं बाहर क्योंकि मुझे थोड़े से फोटोज खींचने हैं और मैंने ऐसे जूते लिए हैं और ये जूते अभी गाड़ी में ही रहेंगे पता है, क्योंकि मैंने ना पाँव में हील्स पहनी है ये वाली। हाय हाय हाय। और हील्स पहन के चलना मेरे लिए मुसीबत है, मुसीबत मुसीबत। तो बहुत आवाज उठ रही है यार, सोची ये बैग। देखो ये गंदा किया है किसी ने, मैंने तो नहीं किया। ये किसने किया? अंजी जोन ऐसे लिख दूंगी, देखना आप लोग जैसे ही मुझे स्टिकर मिलेंगे ना वैसे ही, तो कोई मेरे सिर पे ना बैठे। बारिश स्टार्ट हो गई और इतनी जोरों से हवाएं चली कि मेरा पूरा होलिया चेंज हो गया गाइस। ऐसे नहीं होना चाहिए था यार। कोई नहीं, मुसीबतों के आगे जीत है ना। पागल औरत मुझे चिपका दिया। ओ सॉरी सॉरी मोटे। आए, तेरा नाम किसी ने अभी तक रखा नहीं है, सो हम आपको बुलाएंगे मोटे। ओके ओके मोटे। ओके कितना गंदा नाम रखा है मेरा, अभी सोच लेंगे उसके बाद तेरा नामकरण होएगा ना। ओके आ जा चल। हैप्पी आज हैप्पी न्यू ईयर नहीं है पागल, कल है। इसको नहीं पता ना, ये हमारी फैमिली में नया है ना, इसलिए इसको नहीं पता। हाय मेरा बंदा कितना समझदार है, उसको पता था कि मेरे बाल ना खराब हो जाते, इसीलिए उसने कंगी वंगी सब कुछ रखा है मेरे लिए। बट अपना इंडिया वाला ले आता यार, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। ये क्यों लाया ये? एनीवे थैंक यू। ओके आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपकी मम्मी आपको कब तक बाल बना के देती थी। मेरी मम्मी मुझे 10th तक बाल बना के देती थी। 10th तक मुझे चोटी बोटी कुछ बनाना नहीं आता था, 10th के बाद ही मैंने सिखाया था। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी मम्मी कब तक आपकी चोटी बनाती थी। ओके कि कैसे यहाँ पे पेट्रोल भरते हैं, सो खुद भरते हैं और खुद पे करने जाते हैं ना यहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा ही होता है। ओके सो यश जब स्टूडेंट था ना तो वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, और उस टाइम पे क्या होता था कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं हरामी होते हैं ना, तो वो पेट्रोल भरवा के फिर भाग जाते हैं। तो फिर जो पेट्रोल पंप वाले जो थे ना ओनर, तो उन्होंने यश को बोला कि अगर आपके साथ में ऐसा हो, आपकी शिफ्ट है और आपके साथ में ऐसा हो कि कोई भाग जाए ओके पेट्रोल भरवा के, तो फिर उनको पीछे दौड़ना है थोड़ा सा। तो क्या होता है कि हमें क्लेम करने में इजी रहे कि हमारा जो बंदा था वो पीछे दौड़ा था बट फिर भी वो भाग गया ऐसे, तो ऐसे बोला गया था। अगर आप नहीं दौड़े गए तो फिर आपकी सैलरी में से पैसे कट कर लेंगे हम, ऐसा कुछ था यार, मुझे नहीं पता क्योंकि उस टाइम पे मैं यहाँ पे नहीं थी और वो जब स्टूडेंट था तब की बात है। तो 2019 की बात कर रही हूँ मैं। तो या बट हम हरामी नहीं है, सो हम भरवा के फिर पे करने जाते हैं। और लास्ट टाइम हमने भरवाया था 20 pound का, तो 20 pound में हमें 100 mile चल गई है हमारी कार, हमने 100 mile चला दी है भाई यहाँ सिटी में ही होके, तो 20 pound में 100 mile। तो अभी कितना एवरेज दे रही है आई डोंट नो, क्योंकि मेरी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। सो यस देखो ये है मेरा बंदा, मैं उसकी बंदी। सो गाइस यहाँ पे यश ने ला लिया है P
फॉर प्रैक्टिस. ओके तो तुझे प्रैक्टिस ही करनी है ना यहाँ पे. हाँ यानी न्यू ड्राइवर सबके लिए. या बट यहाँ पे न्यू ड्राइवर क्यों नहीं लिखा? समझ जाएंगे लोग, समझदार है यहाँ पे. और यहाँ पे हमने पे किया है कितने 35. कितने का पेट्रोल भरवाया, डीजल भरवाया तूने? 30 pounds का. तो 150. तो गाइस 30 pounds में हमें 150 miles चलाने को मिलेगा. ऐसा एवरेज निकाला है मैंने खुद, क्योंकि जितनी मुझे हिस्ट्री आते हैं उस हिसाब से उतना ही होता है 150 miles, है ना. तो पार्किंग में लगा के हम ये पी लगाते हैं सबसे पहले. मेरा बंदा जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहा है अभी. ओके गाइस, ओके सो ऐसे लर्निंग वाली जो स्कूल की गाड़ी होती है ना उसमें ऐसे एल लगाते हैं, बट हम दोनों पागल लोगों ने हमारी गाड़ी पे एल लगा दिया था. लोग भी सोच रहे होंगे कितने पागल है. जी हाँ हम है. हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है. देखो यूके में अगर इतनी हवा चलती है ना, यहाँ से नहीं दिख रहा क्लियरली. यार बुंदे ये चला देना वाइपर. हाँ तो देखो ये हिल रहा है ना. तो इतनी हवा को यहाँ पे बोलते हैं स्टॉर्म, मतलब कि वावा जोड़ू. क्या बोलते हैं हिंदी में? तूफान. तूफान आया है ऐसे बोलते हैं. तो कुछ नहीं यार, समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं. और मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो भी खराब होने लगा है धीरे धीरे, ऐसा मुझे लग रहा है. बीमार है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, बीमार है यार. इतनी जोरों से हवाएं चल रही है, इसमें मैं कहां फोटोशूट करूंगी यार. ओ प्लीज भगवान जी थोड़ी देर, प्लीज मैं तो आपकी बच्ची हूँ ना, प्लीज थोड़ा सा हो रहा है. देखो प्लीज भगवान जी आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपकी अंजी. भगवान जी थोड़ी देर वेट करते हैं गाइस, सुनेंगे क्योंकि लाइन में होती है ना नंबर. अभी न्यू ईयर आ रहा है तो सारे लोग मंदिर में जा जाके प्रे कर रहे होते हैं. ओके सीट बेल्ट ऑन, मेरी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी. बाय रोड. देखो ये जो है ना ये रोड है, यहाँ से मैं चल के जाती थी. और अगर मैं चल के जाऊंगी ना तो मैं तुझे लेके नहीं जा सकती, है ना. मुझे तो मैं गाड़ी में घुमाऊंगी. देख रहा हूँ मैं तेरी हरकत है. ओके आई डोंट केयर. सो गाइस अभी बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, सो हम फिर से वो जीडी वाले कॉम्प्लेक्स में आए हैं. और देखते हैं चलो कि क्या टाइम पास कर पाते हैं हम, है ना. और फोटोशूट भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी आज, बट इट्स ओके. तो कुछ खाना पीना है और यश ने इतनी दूर गाड़ी पार्क की है तो मैंने बोला कि वहाँ तक ले ले तो थोड़ा सा कम चलना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत हो रही है यार. पता नहीं क्या मसला है. जब भी मैं इंडिया में होती हूँ ना तो मुझे ऐसा होता है गर्मी लग रही है. यूके में ठंड है, फिर मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ठंड बहुत लगती है एंड बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. यू कैन पार्क देयर यश. नो तो यार सभी जगह प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि मनुष्य है ना ऐसा ही है कि हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढता ही है. बट इट्स ओके, अभी मैं सीख रही हूँ कि जो भी हो रहा है इट्स ओके. जितनी जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे ना उतना ज़्यादा दर्द कम होगा दिल में, है ना. वो चीज़ आपने करी है, जैसे कि कभी आपका छी
आपका कभी ब्रेकअप हुआ है ना, तो आप उस चीज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो कि वो इंसान अभी नहीं है मेरी लाइफ में और अभी नहीं आएगा, तो तब तक आप दर्द से ना ऐसे झूमते रहोगे झूमते। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं है, गया बाढ़ में गया, आई डोंट केयर, मैं अपनी लाइफ जीऊंगी, मस्त जीऊंगी, मस्त जीऊंगा, तो उस दिन से आपको दर्द होना कम हो जाएगा। तो अभी ना मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही होने लगी हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे हो रही है, बारिश गिर रही है, इट्स ओके, एक्सेप्ट कर लिया, बारिश हो रही है तो हो रही है, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना। सो आप भी सीख जाओ मेरी तरह, खुश रहना है तो, अदरवाइज चीज़ों को पकड़ के बैठोगे ना तो फिर दर्द में ही झूमोगे। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं द फूड वेयर हाउस आइसलैंड, सो चलो कुछ मिल जाए। कैसे हो, मुंडी छोड़ मेरी, गिरा दिया, मर। सोने के सिक्के छुपा लो, तो चोरी करना बुरी बात है ना, मैं छुपाऊंगी। यार मैं इतनी ज्यादा बोरिंग हूँ कि मुझे कुछ खाने को पता नहीं, दिल ही नहीं करता। देखो कितना सब कुछ है, मस्त मस्त यश को खाना होता है, बेचारा मेरी वजह से नहीं खा पाता यार। एक्चुअली मुझे खाना है, प्लीज मुझे ऐसे कोई सजेशन दो ना कि यार मैं खाना चालू कर दूँ, इतना भुखड़ों की तरह खाना स्टार्ट कर दूँ, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता मुझे खाना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और अभी 4 बज चुके, स्टिल मुझे भूख नहीं लगी यार। कैन यू बिलीव इट, इंडियन टेक अवे, वहाँ पे इंडियन टेक अवे। What is this behavior? Chicken Balti, beef madras, chicken vindaloo, chicken korma. I mean सब कुछ chicken, यार वेज लोगों के लिए भी कुछ बनाओ। So guys यहाँ पे हमें दिख जाती है ये नान, और अभी घर जाके कुछ सब्जी बनाएंगे, और ये है 3 for 3 pound, so ले लेते हैं ये, चलो। रोटी देखो गाइस, किसी ने तोड़ दिया तो मैं अभी खाने लगी थी, बट पीछे ही कैमरा है। चलो घर पे आना है, चलो। अभी ना क्रिसमस आने वाला है, तो इन लोगों का ना मेन त्योहार है ना क्रिसमस। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ है, इतनी सारी, देखो सब कुछ खाते हैं भाई। राम ये गाइज हमने ना टाइम पास तो कर लिया है, बट आपके लिए एक सरप्राइज है, आपको सरप्राइज से मिलना है, तो चलो आपसे मिलवाते हैं, है ना। चलो उनको बुलाते हैं, मैं जाऊंगी तभी वो आएंगी, क्योंकि मुझसे उनको डर लगता है। क्या लगता है? डर, क्योंकि वो मेरे बंदे में गलत नजरे डाल रही है। सो चलो। अरे आप कौन? हाय, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मेरा नाम है जूलिया और मैं यूके में रहती हूँ। मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, सो आई एम लुकिंग फॉर समवन जो मेरे से शादी करेगा, और मुझे ना एक इंडियन सेक्सी बंदा चाहिए जो ना। क्या कर रहे हो? मुझे मत छो, मैं ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड देख लेगी तो मारेगी। या इसका ये मैं, मुझे यश पसंद है एक्चुअली, बट यू नो व्हाट, इसको आंटी पसंद है। मुझे वो लड़का आंटी बोल रहा था, एंड आई वाज लाइक आंटी किसको बोल रहे हो, है ना। सो मेरा हस्बैंड था पहले, बट उसको दूसरी मिल गई, वो भी इंडियन थी। तो ना अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडियन लड़का बच्चा हूँ, है ना।
सो गाइस आज तो मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, मतलब ये अभी जाने लगी हूँ क्योंकि अंजलि अभी कभी भी आती होगी है ना, और वो यहाँ पे मुझे देख लेगी तो मेरी खैर नहीं। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को बोल दूँ कि मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूँढ लेना है ना। अभी मैं जा रही हूँ और मैं वापस आऊँगी अच्छे से तैयार होके, मतलब कि मेरी जो ये लैंग्वेज है ना वो अंजी की निकल रही, अंजी का एक्सेंट निकल रहा है, पता नहीं मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा आंटी वाला एक्सेंट निकले, बट नहीं निकल रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे। और आपको ये झूलिया आंटी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था बट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में जरूर बताना, ये आंटी ये झूलिया आंटी कैसी लगी। आंटी आंटी नहीं बोलने का, आंटी नहीं बोलने का, आंटी नहीं है मैं, ओके। और मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना। आंटी सॉरी गाइस अभी थोड़ी सी एज होने लगी है ना। सो गाइस एक्चुअली पता नहीं मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई, मैं अच्छे से मैं सोच के आई थी कि मुझे ऐसे करना है ऐसे ऐसे करना है, बट आई डोंट नो व्हाई मैं नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे। और मैंने ना वीक के पैसे बर्बाद किए, बर्बाद नहीं किए, अच्छा लगा, मतलब कि आंटी ऐसी लग रही थी मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड यस मुझे यहाँ से मिली है वीक, सो जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, कुछ अलग सा था। सो आंटी मेरे बंदे के पीछे पड़ी है, मैंने बोला ना वो कैसे हाथ खींच रही थी, इडियट स्टूपिड आंटी। पैसा है आंटी के पास में बट मेरे पास में भी तो है। सो गाइस पता है हमारे घर में हमारी जो पार्किंग की प्लेस थी ना वहाँ पे किसी और ने कार रख दिया, तो हमने ना सामने की साइड पार्क कर दी, ओके। और ये चीज इंडिया में होती ना तो आतंक मच जाता, आतंक, मेरी पार्किंग की जगह पे किसने पार्क कर दी है। हम भी ऐसा यश भी करता था, हाँ वो भी करता था, मेरी जगह पे किसने रख दिया मेरी जगह, क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं मिलती ना। और हम स्कूटी और बाइक दोनों एक आंटी के मतलब आंटी के क्या बोलूं घर के बाहर रखते थे, तो फिर वो आंटी एक दिन ना ऐसे कचरा निकाल रही थी और साथ में बोलने लगी इधर बस स्टैंड बना के रख दिया है, इधर ही आके छोड़ जाते हैं। तो फिर मैं सुन गई और मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा कि यार उसकी जगह मतलब क्या ही हो जाता, हमने वहां पे एक स्कूटी और बाइक रखा हुआ था, तो मतलब ऐसे लोग होते ही नहीं, बट यहाँ पे चलो उसने रख दिया हमने यहाँ पे रख दिया, जगह तो है ही। सो यस नाइस बनो, रूड नहीं, ओके लाइक जूलिया आंटी। यार मेरी इतनी दिक्कत हो गई कि मुझे अभी हील्स उठा के लेके जानी पड़ेगी और ये चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि चप्पल मैं गाड़ी में ही छोड़ दूंगी बट नहीं हो पाया, मतलब जो सोचते हैं वो नहीं होता हमेशा, ओके। हमारी जूलिया आंटी की जूलिया आंटी के बाल गाइस उसने बना दिया है मटर पनीर और राजमा इधर मगर खाना बनाना अच्छा लगता है। यस सो गाइस मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि इस लड़के को खाना बनाना आ गया, थैंक यू, हेल्प यू करते हैं। अरे यार मटर नहीं आ रहे, सच बताना चुम्मेश्वरी चुम्मेश्वरी। सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गुड 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 गुड। रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे तो नहीं है मेरे पास में, नहीं आ रहा है यार वो चीज ही नहीं हो रही है मेरे से जो मैं सोच के आई थी, वो यार मेरी वो जो अंदर से वो लैंग्वेज आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। ओके लेट मी ट्राई अगेन, काम डाउन, ओके बाय।